ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਧੇ ਉਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕਚਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇ ਛੱਟ ਲਾ ਗਏ ਕਿਦੇ ਆ ਇੱਧੇ ਉਰਾ देसी जुगाड़ लगाकर गोश्त की मेजरमेंट की जा रही है जी सर मिट साहब तो हो गए इधर गंदे रहना बैठ जा वन्नू तो ही हो चोरा कितना दिन है तुझे पान मोटा देना बोटी काट के सर से करो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरिस खान और आप देख रहे हैं आरिस व्लॉग्स। माशाल्लाह आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद की खुशियां मुबारक हों जी। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियां अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज 10 ज़िलहज है और तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हुए अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानियां पेश करेंगे। अल्लाह पाक सब की कुर्बानियां इंशाल्लाह कबूल फरमाएगा। आज कुर्बानी के इस मौका पर अगर आप लोगों ने कुर्बानी दी है किसी जानवर की, तो ख़ास तौर पर उन लोगों का लाजमी ख्याल रखें जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की या किसी जानवर में हिस्सा नहीं डाला या बकरा छतरा कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। जो लोग साहब इस्तेताअत हैं उन्होंने कुर्बानी की होगी, और जो गरीब तबका है वो कुर्बानी करने से थोड़े से कासिर हैं। तो जिन लोगों ने कुर्बानी की है वो उन गुरबा का लाजमी ख्याल रखें जिन्होंने कोई हिस्सा नहीं डाला या कोई कुर्बानी नहीं की, ताकि वो भी हमारी इन खुशियों में शामिल हो सकें और वो भी सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करें। कुर्बानी के जो इसे मुकर्रर किए गए हैं रिश्तेदारों के गुरबा के, वो लाजमी अदा करें। हमारे यहाँ होता ऐसा है कि हम जानवर की कुर्बानी कर लेते हैं सिर्फ अपनी खातिर, कुर्बानी करके किलो के शापर, 2 किलो के, 5 किलो के शापर बढ़ा के फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं और महीना महीना हम वो गोश्त खाते हैं। यकीन माने आप पूरा साल गोश्त खाते हैं, ठीक है। और ये कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो गुरबा में लाजमी तकसीम करें, जिनका हिस्सा बनता है उनको लाजमी अदा करें, और फ्रिज में स्टोर करने से थोड़ा सा परहेज रखिएगा। तो सबसे पहले नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद ईद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद अपने जानवर की कुर्बानी दिखाएंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा, ईद उल अज़हा का फुल व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाएगा। हमारी रूटीन क्या होगी और लोग कैसे कुर्बानी करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। A few moments later. दोस्तों तो नहा धो के अपनी ही नजरों में बाबू फंड गए हुए हैं जी। 15 मिनट रह गए ईद की नमाज में, जल्दी जल्दी से तैयारी की है मैंने, पशु भी लगाई है, पशु भी चेक करें, पशु भी लगाई है। चल झूठा। तो इंशाल्लाह भी नमाज पढ़नी है, उसके बाद बाकी काम शाम देखते हैं कि कुर्बानी करवानी है, गोश्त बनवाना है, बाकी जो मामला है उसके बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह। आज ही मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे खुश हैं मस्जिद की इंतजामिया से। क्या खास बात हुई ऐसे भाई इधर आज? आज हमारी मस्जिद के अंदर ना उमर दराज पाशे साहब ने टाइम की पाबंदी पे खुसूसी तो जाती खुसूसी, एक सेकंड भी लेट नहीं की, पूरे 7:30 बजे जमात खड़ी हो गई है। अच्छा। बन गई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा टाइम पे जो ईद पढ़ के आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे गाँव के लोग भी चेंज हो रहे हैं, टाइम की पाबंदी कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। शानी भाई की याद आ रही, शानी भाई किधर है? शानी भाई नमाज पढ़ने आए थे, बस चले गए। आज शानी भाई से स्पेशल सॉन्ग सुनने में आऊँगा, ठीक है। कैसे बताऊँ जी इस दिल के फसाने, लोग ईद की नमाज़ पढ़ के घर जा रहे हैं और ये मिट्ठू भाई का तमाशा देखें, अभी तक सो रहा है जी। माशाल्लाह जी गहरी नींद में सोए ही रहे तो बेहतर है, उठ गया तो ये गोश्त इकट्ठा करने चला जाएगा, बहुत जिद्दी बच्चा है जी। दोस्तों तो चावल चावल घर बन गए थे, चावल चावल खाए हैं, अभी हम आ गए हैं जी अपने पिजन्स के पास जो कि बीमार थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं पहले से। ये मेरा भाई और ये मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इन पे। हाँ भाई ईद मुबारक, आप सब कुछ चावल चावल खाओगे? खाएंगे, चलिए लेके आते हैं आपके लिए। चलो जी, अल्लाह ने करम किया है, अब हमारे जानवर बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा हद तक रिकवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब कोशिश जारी रहेगी और उम्मीद है कि ये मज़ीद रिकवर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर ये रिकवर हो गए तो हम इनको बच्चों में डाल देंगे जी। दोस्तों तो सामान और अफशानी में मिल गए हैं जी। भाईजान मौलवी साहब तेरे जिम्मे से लाए हैं, मौलवी ला क्या? जनाब ठीक है, लेके आ रहे हैं अभी। मैं सुना तू आप कुर्बानी कर लेना है, अल्लाह हुक्म ना आले। तकबीर सुना का भला नहीं आती जी। दोस्तों तो शेरे पंजाब, शेरे पाकिस्तान, शान लाहौर, जान लाहौर, भाई अमीन मेहर जी वापस आ चुके हैं, ईद मुबारक भाई अमीन। भाई मीन उधर से आप मोटे होके आते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि सारा दिन मैं फ्री रहता हूँ। ये तो मिलो यार, ये तो मिलो। एक मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। और सुना कैसे हैं? सेहत भी ठीक है? आतिफ भाई हैं, आतिफ हाय बोल दो, आपके बहुत सारे फैंस हैं। ओह माय गॉड, आसिफ भाई को पहले आप मिल चुके हैं। खैर मुबारक जी, आज आसिफ भाई मम्मी डैडी लग रहे हैं। वही मम्मी डैडी, तुम सिर्फ डैडी हो। दोस्तों कुर्बानी का टाइम हो गया है जी, और मौलवी साहब हमें नहीं मिल रहे हैं, पूरे गांव के जानवर हैं, हमारे गांव में सिर्फ एक ही मौलवी है,
ये चूजा पकड़ा है जी हमने, ये बनाएगा गोश्त वगैरह, अब मौलवी आएगा वो ज़िबा करेगा तो भाई खल भी उतारेगा और गोश्त भी बनाएगा। दोस्तों मौलवी नहीं मिला अभी तक, लेकिन वो शख्स मिल गया है जिसका इंतज़ार हमारी आंखों को सुबह से था, जिसको हम सुबह से ढूंढ रहे हैं जी, वन एंड ओनली शानी भाई। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, ईद मुबारक। शानी मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा आपको, किधर गए थे आप? मैं पहली तोहफा तो गया था नमाज पढ़ने अहले हदीस वाले मस्जिद में। जी पढ़ाने या पढ़ने? पढ़ने गया जी जी। फिर उधर पढ़ने के एक ही मजा आता है, वो तंग नहीं करते, डोंट टीज एनीवन। शानी भाई सबसे पहले तो हमने खाले इकट्ठी करनी है, और खाले इकट्ठी करने से पहले हमने गोश्त इकट्ठा करना है, और उससे पहले हमने आपसे एक गाना सुनना है, सुनाएंगे हमें? बिल्कुल, चलें फिर। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। चलो जी शानी भाई की आपने आवाज सुनी है, शानी टाइम इज 100 times बेटर देन चाहत फतेह अली खान। यकीन माने पूरा गांव देखा है जी, ऐसी सज धज मैंने कहीं नहीं देखी पूरे गांव में। माशाल्लाह खुस्सा, चिट्टी शलवार, बोस्की दी कमीज, वास्कट, मुंदरियां। खां जी की मिशन है, सोहना लगता माशाल्लाह मेरा बीरा। शदीद गर्मी पड़ रही है जी, मौलवी साहब के लिए हमने बंदे को भेज दिया है, और जिसने गोश्त बनाना है उसका भी बंदोबस्त हो गया है। भाई लोग ज़िबा कर रहे हैं, उसके बाद वाली सूरत हाल को दिखाते हैं जी। गोश्त वोश्त बन रहा है, ये जूस वूस पकड़ के घर जाते हैं, वहाँ पर वीडियो एडिट करके अपलोड करते हैं, उसके बाद ये वाला व्लॉग अपलोड करना है। तो तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद जाएंगे जहाँ पर गोश्त बन रहा है, तो वहाँ पर ही आपसे मिलते हैं। A few inches later, करे की बारी आ गई है जी, मौलवी साहब को हमने बुला लिया है, इसको बल्ला की राह में कुर्बान करने का वक्त आ गया। ये तैमूर खान का बकरा। तैमूर खान तुम्हें अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाफिज साहब जी अपने औजार चेक कर रहे हैं कि तेज आला होना चाहिए हाफिज साहब, ताकि बकरे को तकलीफ ना। सही है जी, यहाँ पर मौलवी साहब के साथ मुझे मिल गया जी, मौलवी साहब का बेटा जो कि मेरा बहुत बड़ा फैन है, मेरे सारे व्लॉग्स बाकायदगी के साथ देखता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे व्लॉग देखते हो सारे? थे मेरे व्लॉग्स? अब तो आप मेरे व्लॉग में आ गए हो, तो खुद को देखोगे जाके? देखोगे ना खुद को? ऐसा ही है ना, ठीक है फिर मेरा व्लॉग देखोगे जिसमें आप भी हैं, ठीक है। दोस्तों तिमनी खान के बकरे का गोश्त गोश्त बन गया है जी, ये देखें ज़िबा कर लिया था हमने, और गोश्त भी रेडी शेडी हो गया। अब तैमूर खान इसको फाड़ेगा सही तरीके से। हैं तिमनी खाना ही गोश्त खाना ही, शर्मा रहा खाने का नाम। दोस्तों आपको पता है कि ईद वाले दिन गोश्त बहुत लेट बनता है, ख़ास तौर पर जब कोई बैल होता है, कोई बछड़ा होता है, तो इसीलिए तैमूर खान का जो बकरा था हमने उसमें से थोड़ी सी यखनी ले ली है। माहौल काफ़ी गर्म है जी, अभी चेक करते हैं कि कैसी बनी हुई है। चम्मच लो भाई, बिस्मिल्लाह। यखनी बड़ी आउट क्लास है, तैमूर खान ने रिकमेंडेड की है, मेरे लिए लेके आया खास तौर पर। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तैमूर खान भी जी सूप पीना चाहता है जी, वो पी ले पी ले पी ले पी ले। तो माड़ी मोटी सी पेट पूजा हमने कर ली है, अभी बाहर गोश्त बना रहे हैं। अब्बा हजूर की को 50 calls आ चुकी है, मैंने टेंड रही की, और हमारी अच्छे खासी कुत्ते वाली होगी बिहाइंड द कैमरा। मैंने कुछ कुछ नहीं, सही है, चंगा भला माशाल्लाह। चलो भाई ये जी लेके जा रहे हो जी, वगैरह उस साइड पे वापस को साफ। दा मेरी गाल धो लगा, चल सही है यार। इधर उरा शेर ने कचरा निकल निकल के छटना पे किदे आ इधर उरा देसी जुगाड़ डालकर गोश्त की मेजरमेंट की जा रही है जी। सर मिट साहब नंबरदार साहब मेरे से लाए रात को ना बेटा, तेरा चैलेंज का चैनल गया। नहीं ये नहीं जाना, हूँ एक एक हिट हो गए, दो दो हिट आ दोस्तों। तो गोश्त वगैरह हमने बनवा लिया है, घर भी दे दिया है, मेहमान भी आ गए हैं, उनको सर्व करना है, और हमने भी नहाना है, नाग कपड़े शपड़े चेंज करने हैं, गोश्त बनाने लग गए थे वहाँ पर, कपड़े चेंज करके हमने अपने महल से गोश्त भी इकट्ठा करना है। तो दोस्तों टाइम बहुत कम है और टास्क बहुत बड़ा है, इसका करें कि बहुत सारा गोश्त मैं इकट्ठा कर लूँ, ताकि महीना भर सुकून से बैठ कर खाऊँ, क्योंकि अपने वाला तकसीम भी करना है, जो वो वाला है वो हमारा हक होगा, हम स्टोर करके इंशाल्लाह महीना भर खाएंगे। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग ऐड करते हैं और जल्दी से गोश्त इकट्ठा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।